दोस्तों इक्तदार यानी पावर से जिल्लत आमेज तरीके से बेदखल किए जाने के बाद शेख हसीना साहिबा इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और वैसे तो इंडिया ने उनके वेयर अबाउट्स को, उनकी लोकेशंस को खुफिया रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शेख हसीना की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस हैं, ये बांग्लादेश के अंदर पहुँच जाती हैं। इस पर बांग्लादेश की सरकार ने इंडिया को कहा हुआ है कि आप इनको चुप कराएं, क्योंकि ये आपकी सॉइल को इस्तेमाल करते हुए ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसी स्पीचेस दे रही हैं, जिससे हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनार्की क्रिएट होने के खतरे मौजूद हैं। ये जो रिक्वेस्ट है वो कई मरतबा बांग्लादेश पहले भी कर चुका है पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन इंडिया की तरफ से इस हवाले से कोई कोऑपरेशन हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि स्टॉप शेख हसीना फ्रॉम मेकिंग स्पीचेस, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट रिक्वेस्ट इंडिया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, उल्टा वो इस चीज को मजीद इंकरेज कर रहे हैं। शेख हसीना की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें इंडिया का इनपुट शामिल होता है, क्योंकि ये वहां पर बैठ के उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की स्ट्रेटजीज बना रही है रिटर्न के हवाले से, पावर में रिटर्न के हवाले से, और मजीद जो अपना फ्यूचर का लाहे अमल है, जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर भी ये इंडिया के इनपुट को शामिल कर रही है। अच्छा, पिछले दिनों आपको इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया की तरफ से जोरों शोर से प्रेशर डाला जाएगा बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर, क्योंकि इंडिया के पॉलिसी मेकर समझते हैं कि वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का आना उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, और ये चीज उनको हेल्प करेगी शेख हसीना को दोबारा इंस्टॉल करवाने के हवाले से। और उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि इंडिविजुअल्स भी आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में, यानी वो लोग इस्तेमाल होंगे जिनके लिंक्स इंडिया के साथ होंगे, उनकी जो रूट्स हैं वो इंडिया के साथ होंगी। फिर आपने देखा कि इस्कॉन का वाकया पेश आया, इस्कॉन वालों ने बांग्लादेश के हवाले से काफी गड़बड़ वहां पर पैदा करने की कोशिश की। इस्कॉन एक ऐसी तंजीम है जिसकी बेसिस इंडिया के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले इंडियन कांग्रेसमैन जिनका जो बैकग्राउंड है वो इंडियन है, तो उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। अब एक कदम मजीद आगे जाते हुए इंडिया ने फैसला किया है कि बांग्लादेश की नई सरकार को प्रेशराइज करेंगे और इंडियन सिटीजन्स को इस्तेमाल करते हुए वो ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। होना ये है आने वाले दिनों में, और इसकी तैयारी वैसे इंडिया कर रहा है, कि इंडिया के जो वहाँ पर वोटर्स हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इंडियन वोटर्स का भी एक वहाँ पर ठीक ठाक नंबर होता है, तो उनको इस्तेमाल करते हुए इंडियन वोटर्स को इंडिया कोशिश करेगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगवाने के हवाले से कोई माहौल बनाया जाए वहाँ पर। और इसकी तैयारियाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू हो चुकी हैं, और इंडिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो खुद इस बड़ी डेवलपमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, इंडियन अमेरिकन्स टू अर्ज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश। इसमें मजीद वो कहते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स आर एक्टिवली वर्किंग टू एंगेज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कांग्रेस टू टेक एक्शन अगेंस्ट द बांग्लादेशी रिजीम। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये इंडिया से करवाया जा रहा है, ये बीजेपी की सरकार कर रही है, और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनकी है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस सारी एक्सरसाइज का मकसद असल में ये है कि ये जो नई सरकार बांग्लादेश की वहां पर मौजूद है, इनके खिलाफ कोई माहौल बनाया जा सके, इनको भी कंट्रोवर्शियल किया जा सके, और जो इलेक्शन ये करवाएंगे आने वाले दिनों में उस इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल करवाया जा सके। इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद असल में यही है। अच्छा, इंडियंस इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर, आप जरा देखिए, बांग्लादेशी नहीं, इंडियंस इस्तेमाल हो रहे हैं। बांग्लादेशियों को कोई मसला नहीं है, इंडियंस इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में इस लेवल पर इंटरफेरेंस की जा रही है कि अपने लोगों को कहा जा रहा है। इनमें से बहुत सारे ऐसे अमेरिकन्स हैं जो इंडिया आते जाते रहते हैं, उनके बिजनेसेस भी हैं वहां पर, रिश्तेदार भी हैं, तो वो सारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं इस कार्रवाई के अंदर। और जवाब क्या घड़ा जा रहा है, बांग्लादेशी हिंदूज, बांग्लादेशी जो हिंदूज हैं उनके अगेंस्ट इतना ज्यादा कोई अत्याचार हो रहा है कि उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तो पता नहीं किस हाल में रह रहे हैं। इस तरह का माहौल वहां पर अमेरिका के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नाउ ये बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी एक सोचने का मकाम है कि उनको असल में यहाँ पर पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से, उनका नाम लेकर अपने जाती मफादात जो है ना, पर्सनल एजेंडास, उनको फुलफिल करने की कोशिशें की जा रही है। द डिप्लोमेट के अंदर आज इसी हवाले से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, वो जरूर जाकर पढ़िएगा। वो कहते हैं कि दी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी, रादर देन एड्रेसिंग दी चैलेंजेस फेस्ड बाय हिंदूज, पॉलिटिकल पार्टीज
पर्टिकुलरली द अवामी लीग हैव अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिसाइजिंग देयर स्ट्रगल्स, इनके नाम पे वोट लेना, इनके नाम पे सियासी एजेंडास की तकमील, ये सब किया जा रहा है बांग्लादेशी हिंदूज के नाम से। तो इस कम्युनिटी के ऊपर भी एक जिम्मेवारी आयद होती है कि वो इस तरह के जो प्रोपेगेंडास बांग्लादेश के खिलाफ किए जा रहे हैं उसको नाकाम बनाए। वो कहते हैं कि इवन ग्रुप्स दैट आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश हिंदू पॉपुलेशन हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड। द लीडर्स ऑफ द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, अ प्रोमिनेंट माइनॉरिटी एडवोकेसी ग्रुप, कंटिन्यू टू एडवोकेट द अवामी लीग एजेंडा फॉर देयर ओन पर्सनल सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज, ओवर लुकिंग द ब्रॉडर interests of the community. On social media, some leaders of the Unity Council were accused of being beneficiaries of Hasina's regime, with critics raising questions about its impartiality. Bangladesh ke andar Awami League aur is tarah ke ye jo dusre groups hain, Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council aur digar aur bhi hain, ye apne zati fayde ke liye naam istemal kar rahe hain Bangladeshi Hindus ka. Aur India ke andar kya ho raha hai, Hindutva ki siyasat chamkai ja rahi hai inke naam pe. कहते हैं कि मीनवाइल इंडिया हिंदुत्व अलाइंड भारतीय जनता पार्टी एंड सर्टेन मीडिया आउटलेट्स हैव पुश्ड देयर ओन एजेंडा रिगार्डिंग माइनॉरिटी इश्यूज इन बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम अल जजीरा ऑन अगस्त 8, अनादलू अजांस ऑन अगस्त 10, द बीबीसी ऑन अगस्त 18 एंड प्रथम अलो ऑन अगस्त 29, इंडियन मीडिया स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। सम इंडिया बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑल्सो फ्यूल डिस इन्फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर जो ओवरसीज बांग्लादेशी हैं, खासतौर पर वो बांग्लादेशी जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनका भी इम्तिहान है। देखें, यहाँ पर आपके सामने है एक झूठा केस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ है। मुल्क के ऊपर सेंक्शन लगाने की बातें की जा रही हैं कि एक यहाँ पर नैरेटिव बनाए, उसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क के ऊपर सेंक्शन लगाए। तो इसको काउंटर करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर तो है ही, लेकिन ओवरसीज बांग्लादेशीज के ऊपर भी है। खासतौर पर वो बांग्लादेशी जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो एक कम्युनिटी के तौर पर यहाँ पर एक्ट करें, और वो भी अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके लोकल एरियाज के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको ये वोट कर रहे होते हैं, उनको लिखें, उनको ईमेल लिखें और उनको ये समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से इंडिया से प्रेशर डलवा के और यहाँ के सिटीजन्स को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये भी दिखाने की जरूरत है कि जिस वायलेंस का जिक्र किया जा रहा है वो असल में है ही नहीं। यहाँ पर आपके पास अल जजीरा की रिपोर्टें हैं, बीबीसी की रिपोर्टें हैं और भी बड़े क्रेडिबल न्यूज आउटलेट्स की रिपोर्टें हैं, वो अटैच करिए और उनको समझाइए, अपने लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको समझाइए कि ये सारा बेसलेस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे सारा कुछ पीसफुल है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जैसा यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। और ये बांग्लादेश और अमेरिका के बायलेटरल टाइज को नुकसान पहुंचाने के हवाले से बातें की जा रही है। तो जितना बांग्लादेश की सरकार ने काम करना है उससे ज्यादा काम असल में ओवरसीज बांग्लादेशी जो खासतौर पर अमेरिका के अंदर रहते हैं उनके ऊपर ये लाजिम होता है कि वो एज ए कम्युनिटी यहाँ पर एक्ट करें, और जो एक झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी वहां पर खबरें स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है उसको काउंटर करें।